आपका जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हमने शॉर्ट नोट्स में बुलाए उसमें स्वागत है। हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर मनोज यादव जी, रमन बल्ला साहब, हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर मूलाराम जी एक्स मिनिस्टर, और हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन और बाकी सारे साथी। साथियों, जो इशू है वो आपको पता है कि जब से टारगेट किलिंग हुई कश्मीर में, दो जो तबके, एक तो कश्मीरी पंडित हैं हमारे और दूसरा जो शेड्यूल कास्ट हमारे जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में रिजर्वेशन के तहत लगे थे, और आपको ये बावर करना चाहता हूँ, दोनों का जो नौकरी दी है, दोनों की एम्प्लॉयमेंट जो दी है वो कांग्रेस ने दी है। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे वो आके उन्होंने यहाँ पे पीएम पैकेज का अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि हम कश्मीरी पंडित की जो इज्जत से बहाली, जो वापस उनको जाना है कश्मीर में, उनकी वापसी करेंगे, तो वो एक पहला स्टेप था उनकी वापसी का कि हम उनको वहाँ पे जवाब देंगे और वो अपनी फैमिली लेके वहाँ जाएंगे। और मुझे लगता है 8-9 हज़ार लोग जो हैं वो नौकरी के बहाने वहाँ पहुँच गए और वहाँ रहना शुरू किया उन्होंने। दूसरा जो शेड्यूल कास्ट तबका है हमारा है जम्मू कश्मीर में, तो वो रिजर्वेशन भी कांग्रेस ने लड़के उस वक्त जब हमारी कोलेशन सरकार थी, हमारे चीफ मिनिस्टर उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब थे और हमारे उस वक्त डिप्टी सीएम थे और बाकी मिनिस्टर्स थे, तो हमने उस वक्त एक लड़ाई लड़ी शेड्यूल कास्ट तबके लिए। पहले हमने कहा कि डिस्ट्रिक्टों में जो नौकरी आपको गेजेटेड से नीचे जो नौकरियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट, उसकी डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट हो जाए और बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में 8% जो है शेड्यूल कास्ट का कोटा रखा जाए, तो उस कोटे के तहत जितने भी शेड्यूल कास्ट साथी हमारे वैली में नौकरी लगे, तो वो भी हमारा एक इनिशिएटिव था कि उनको वहाँ पे जॉब मिला। तो दोनों में कांग्रेस का योगदान है कि कश्मीरी पंडित जो भी 8-9 हज़ार वहाँ शिफ्ट हुए थे कश्मीर में और वो 12-13 साल से वहाँ रह रहे थे और आराम से रह रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब से टारगेट किलिंग का इशू शुरू हुआ